ठीक है, मेरा नाम सिर दिलावर है, मेरा रोल नंबर 34 है और जिस एप्लीकेशन में मैं काम कर रही हूँ वो है LizzyB लर्निंग टूल। LizzyB जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है उनके लिए डेवलप की गई है। इसके अलावा बाकी स्पेशल बच्चे होते हैं वो उनके लिए भी हेल्पफुल है और एक एजुकेशनल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके थ्रू बच्चे जो है वो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस एप्लीकेशन डिफरेंट गेम्स हैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, मेमोरी बलून्स और इस तरह से डिफरेंट गेम्स हैं जिनके थ्रू बच्चे जो है वो नंबर्स को, कलर्स को, इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं। एप्लीकेशन की हमने टेस्टिंग की थी, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, पॉइंट जो है वो लर्नेबिलिटी क्योंकि इसके अंदर जो होम पेज है उसके अंदर उसके ऊपर बहुत इररिलेवेंट कंटेंट है, यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो भी इररिलेवेंट है। उसके अलावा जो होम स्क्रीन है उसके अंदर जो जो जितने भी बटन्स हैं वो टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने में। अगर हम किसी बटन को क्लिक करें तो वो ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स लेता है और फिर नेक्स्ट फर्दर जो है वो एप्लीकेशन जो ऑप्शन है वो खुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उतार के बटन पे हम क्लिक करें तो फ़ौरन क्लिक करने पे वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, इस वजह से समझ में नहीं आता। जब हम उसे प्रेस करके रखते हैं तो फिर लोडिंग ऑप्शन आना शुरू होता है और 3, 4 या 5 सेकंड के बाद जो है वो लोडिंग जो है वो कम्प्लीट होती है और फिर अवतार जो है वो खुलता है। इस तरह से ये इस वजह से ये एप्लीकेशन जो है वो इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है और ईजी टू यूज़ नहीं है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो सेटिंग ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट है और जिसकी वजह से आम जो यूज़र है, जो नॉर्मल यूज़र है, उसके लिए भी यूज़ करना इस एप्लीकेशन को मुश्किल है। जो ASD पेशेंट्स हैं उनके तो ऑलमोस्ट इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एफिशिएंसी के अंदर एफिशिएंसी इसका नेक्स्ट पॉइंट है और इवन आफ्टर लर्निंग द डिज़ाइन जब यूज़र इसको यूज़ करने की कोशिश करता है वो स्टिल जो है ये डिज़ाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है क्योंकि जो लोडिंग में टाइम लगता है तो यूज़र इरिटेट हो जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर अगर किसी लेवल को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले सेटिंग में जाना पड़ता है, सेटिंग में लेवल्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम गेम जो गेम की ओर सेलेक्ट करनी है तो वहाँ से करते हैं और लेवल भी वहीं से सेलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार अगर गेम चेंज करनी है तो बार बार सेटिंग में टाइम लगेगा, उसको लोडिंग होती है, उसके बाद लेवल्स में जाना पड़ता है फिर हम लोग गेम चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो गेम ये जो एप्लीकेशन है इतनी एफिशिएंट नहीं है। और लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है उसके बगैर ये एप्लीकेशन चलती है और इसमें कोई एड्स वगैरह नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेमोरेबिलिटी है, ये जो एप्लीकेशन है अगर यूज़र इसको आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से यूज़ करना शुरू करे तो उसको समझना मुश्किल होता है क्योंकि इसका डिज़ाइन यूजुअल एप्लीकेशन जिस तरह की डिफरेंट है, इसके पैटर्न को याद रखना, उसके फ्लो को रिमेम्बर जो है वो करना, ये चीज़ें अब डिफ़िकल्ट हैं एप्लीकेशन में। लेकिन जो उसकी गेम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, गेम्स में प्रॉपर गाइड टूर हैं, साउंड्स हैं और वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इससे गेम्स कैसे खेलनी है ये यूज़र के लिए याद रखना इजी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एप्लीकेशन को ऑपरेट करना जो है उसके लिए मुश्किल हो सकता है अगर वो कुछ टाइम के बाद उस। लेकिन जो जो गलती है उसके चांसेस यूज़र से हो सकती है इसमें गलती, क्योंकि या वो क्विट का बटन या कोई भी बटन प्रेस करते हैं या बैक जाता है कोई कन्फर्मेशन मैसेज शो नहीं होता। अभी जो स्पेशल बच्चों के लिए एप्लीकेशन हो भी सकती है तो जैसे वो गेम बंद होती है साथ ही सारी की सारी उसकी प्रोग्रेस जो है वो चाइल्ड की वो लॉस हो जाती है। इसकी वजह से जब वो गेम दोबारा रीस्टार्ट करता है तो गेम शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो स्टार्ट होती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर गाइड टूर है तो जैसे वो गेम ओपन करेगा उसे बार बार देखना पड़ता है यूज़र को, वो स्किप नहीं उसे कर सकता। और लेकिन इसकी सी चीज़ ये है कि हर पेज पे होम और बैक का बटन है। सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट पॉइंट है और इसके अंदर ये है कि एप्लीकेशन जो है वैसे तो ओवरऑल बहुत प्लेजेंट टू यूज़ है और गेम्स बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, बच्चे इन गेम्स को थोड़ा सीख सकते हैं, लेकिन जो बटन्स हैं वो एप्लीकेशन के प्रॉब्लम। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा बहुत ज़्यादा है और कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जैसे अवतार का अगर ऑप्शन है उसके अंदर डिफरेंट अवतार हैं,
गर्ल और बॉय और एडवेंचर गर्ल, निंजा गर्ल, इस तरह से ऑप्शन हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सेव का ऑप्शन नहीं होता, और जो बेसिक डायनो जो स्टार्ट में अवतार होता है, अवतार वही रहता है, और हम इस अवतार को देख तो सकते हैं पर हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जो फॉन्ट साइज है वो भी एप्लीकेशन का छोटा है, इसलिए पढ़ने में ऑप्शन को प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हमने यूजेबिलिटी हमने टोटल जो है वो 10 इंटरव्यू लिए मैंने, और उसमें चार इंटरव्यू, चार मेल थे, 6 फीमेल्स थी, और 18 क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन एयर है। उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, यूजर से जो मैंने पूछा वो ये था कि जो लिजी भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो सब लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो एप्लीकेशन है ये हेल्पफुल है आपके ऑटिस्टिक किड्स के लिए, क्योंकि अपना गोल अचीव कर सकें, कुछ सीख सकें। सबको इसकी गेम्स बहुत अच्छी लगी थी, सबको लगता था कि एप्लीकेशन जो वो ईजी टू यूज़ और हेल्पफुल है। थर्ड क्वेश्चन था कि क्या आप उनको यूजर्स को ये लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशन ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस की हेल्प कर सकती है लर्न करने में चीज़ों को, सबको लगता था कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बच्चों की हेल्प कर सकती है। और फोर्थ क्वेश्चन ये था कि क्या गेम्स जो है वो बच्चों की हेल्प कर सकती है, तो सबको ये लगता था कि अगर एजुकेशनल बेस्ड गेम्स हों जो सेंसेस में हैं तो बच्चे उससे बहुत इंजॉय भी करते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था कि इज दैट एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली, तो सबको लगता था कि एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि 80% लोगों को लगता था, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो गेम्स उसकी बहुत अच्छी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में था इज इट इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन, तो सबको लगता था कि ये चीज़ रिमेंबर रखना कि कैसे इसका फ्लो क्या है, ये सब चीज़ें ये चीज़ है वो 60% लोगों को लगता था कि डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 था इज द चाइल्ड एबल टू रन द एप्लीकेशन ऑन हिज और हर ओन, 60% लोगों को ये लगता था कि एप्लीकेशन जो यूज है वो इंडिपेंडेंटली जो चाइल्ड है वो रन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ये थोड़ी डिफिकल्ट टू क्रिएट है। जो क्वेश्चन नंबर 8 था डज द एप्लीकेशन कंटेन गेम्स, क्वेश्चन नंबर 8 था कि क्या जो इस एप्लीकेशन में गेम्स हैं वो हेल्पफुल हैं, तो सब लोगों को ये सब यूजर्स को ये लगता था कि एप्लीकेशन में जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था कि क्या जो ऐप है ये फ्री है फ्रॉम इरेलीवेंट मटीरियल, 60% लोगों यूजर्स को लगता था कि इरेलीवेंट मटीरियल इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि क्या डू यू थिंक दैट द कंटेंट इज रेलीवेंट अप्रोप्रिएट अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज, 80% लोगों को लगता था कि एप्लीकेशन जो है रेलीवेंट अप्रोप्रिएट अट्रैक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि आर टास्क रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज अप्रोप्रिएट, सबको लगता था कि टास्क रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो है वो अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 12 था डज दैट एप्लीकेशन हेल्प योर चाइल्ड लर्न न्यू थिंग्स, और सबको लगता था कि ये एप्लीकेशन लर्निंग में बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 था इज द साउंड इन दैट एप्लीकेशन हेल्पफुल, सबको लगता था कि जो एप्लीकेशन का साउंड है बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और अच्छा है और हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 14 था इज द कलर स्कीम ऑफ दैट एप्लीकेशन अट्रैक्टिव, 90% लोगों को लगता था कलर स्कीम जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। इज द आइकॉन ऑफ दैट एप्लीकेशन अट्रैक्टिव, 90% लोगों ने कहा आइकॉन जो है वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। इज द यूजर इंटरफेस ऑफ दैट एप्लीकेशन अट्रैक्टिव, और 60% लोगों को लगता था कि यूजर इंटरफेस जो है वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में रिकमेंडेशन थी कि उनके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होने चाहिए, कुछ यूजर्स को लगता था कि कलर स्कीम चेंज होनी चाहिए, कुछ लगता था कि आइकॉन चेंज होना चाहिए। सो द यूजर्स ने जो रिकमेंडेशन दी वो यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए की दी, और उसके अलावा जो डिफिकल्टी है जो सेलेक्ट अलावा उसको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों ने इसको भी हाईलाइट किया। कुछ लोगों को कुछ यूजर्स को अलाइनमेंट की प्रॉब्लम जो है उनको उन्होंने वो रिकमेंड की कि अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, और कुछ ने जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को रिमूव करने की रिकमेंडेशन जो है। इसके अलावा हमने कुछ एक रिकॉर्डिंग है जो कि साथ अटैच की है।
कार्ड सॉर्टिंग उसके बाद हमने की थी, और कार्ड सॉर्टिंग में जो तीन टाइप्स होती हैं, ओपन, क्लोजर, हाइब्रिड, और मैंने ओपन कार्ड सॉर्टिंग के थ्रू कार्ड सॉर्टिंग की थी। यूजर वन जो है वो फीमेल थी, इनकी एज 22 है, क्वालिफिकेशन की BS है, वो टीचर हैं। उन्होंने इस तरह से कार्ड सॉर्टिंग की कि अवतार का ऑप्शन अलग रखा, सेटिंग उन्होंने अलग रखी, और गेम्स उन्होंने अलग रखी, और ऐसे उन्होंने म्यूजिक जो है उसके ऑप्शन को अलग रखा और लेवल्स के ऑप्शन को उन्होंने अलग रखा। वैसे म्यूजिक और लेवल्स का ऑप्शन जो है सेटिंग के अंदर ही है ओरिजिनल डिज़ाइन में। उसके अलावा जो यूजर टू हैं वो हाउसवाइफ थी, उनके जो स्पेशल चाइल्ड था उनका, और उनकी 46 है, उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। उन्होंने जब एप्लीकेशन को जो है वो सॉर्ट कार्ड्स को सॉर्ट किया, तो उन्होंने भी सेटिंग के से जो लेसन राउंड्स का जो ऑप्शन है वो उन्होंने सेटिंग से जो है वो अलग रखा। उसके बाद यूजर थ्री जो है वो फीमेल है, उनकी 24 है, उनकी क्वालिफिकेशन BS कंप्यूटर साइंस है, वो टीचर हैं। उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को जो है वो सॉर्ट किया। जो फोर हैं वो मेल हैं, वो लॉयर हैं, और LLB वो लॉयर, LLB इनकी क्वालिफिकेशन है, और उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को जो वो सॉर्ट किया। और उसके अलावा यूजर फाइव जो है वो बिजनेस मैन है, उनके 52 है, उनके उनका बच्चा उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, उनका बच्चा स्पेशल है, उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को जो वो सॉर्ट किया। यूजर सिक्स जो है वो मेल हैं, और उनके 21 है, वो BS पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, और उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को सॉर्ट किया। यूजर जो सेवन है वो फीमेल है, इनकी 22 है, और उन्होंने इस तरह से कार्ड सॉर्ट किया। जो यूजर एट है वो फीमेल है, इनकी 30 है, वो टीचर ने BS मैथमेटिक्स किया, और उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को किया था। यूजर नाइन जो है वो फीमेल है, इनकी 40 है, वो बाय प्रोफेशन टीचर है, और उनकी क्वालिफिकेशन BS मैथमेटिक्स है, और उन्होंने इस तरह से कार्ड्स को सॉर्ट किया था कि जो लेवल्स का ऑप्शन उन्होंने सेटिंग में ही रखा था। और इसके अलावा यूज़र जो 10 है वो भी फीमेल है, उनकी 25 है, BS IT, न्यू क्वालिफिकेशन है, वो टीचर है, उन्होंने इस तरह से कार्ड सॉर्टिंग की, और उन्होंने भी लेवल्स को सेपरेट रखा था, लेसन नोट्स को भी सेपरेट रखा, म्यूजिक को भी सेपरेट रखा, और उसकी यूजर्स की कार्ड सॉर्टिंग की बेस पे ये टेबल जो है वो मैंने बनाया, और इस टेबल का जो फाइनल उसकी बेस पे ये कार्ड सॉर्टिंग का जो रिजल्ट आता है, और इसी की बेस पे रीडिजाइनिंग।
ऐप की जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से जो यूज़र इंटरफेस है उसमें इस तरह से चेंजेस किए हैं मैंने कि प्रोफाइल का ऑप्शन इंक्लूड किए हैं कि सब जो कॉल स्टार्टिंग में सब यूज़र्स ने प्रोफाइल के ऑप्शंस को सेटिंग से बाहर ही से सेपरेट रखा था और लेवल्स के ऑप्शन को भी सेटिंग से सेपरेट रखा था और म्यूज़िक के ऑप्शन को इन तीनों ऑप्शन को मैंने सेपरेट रखा है। अगर हम प्रोफाइल पर क्लिक करें तो हम तो इस पेज पे हम जाते हैं जिसमें नेम एज आती है। अगर हम होम पे क्लिक करें तो हम वापस प्रीवियस पेज पे जाते हैं। इस तरह से अगर हम लोग अवतार के ऑप्शन में आए तो अवतार के ऑप्शन में ये ऑप्शंस हैं, इसमें अप्लाई का और कैंसिल का बटन मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा जो अगर लेवल के ऑप्शन में आए तो उसमें लेवल राउंड है और सिलेक्ट लेवल। म्यूजिक के ऑप्शन पे आए तो उसमें ये वाले ऑप्शन हैं कि जो कि होम पेज पे अब ये उसका बटन मौजूद है। थ्री डिफरेंट लेवल्स हैं जो कि सेपरेट हैं, लो मीडियम और हाई। और ये जो है वो लेसन राउंड से फर्दर इस ऑप्शन पे हमारे और इसके अलावा ये एक कंफर्मेशन एक्शन जो कंफर्मेशन मैसेज है वो एक डायलॉग बॉक्स है जो कि जैसे हम बैक पे जाने की कोशिश करते हैं यूजर से पूछता है कि आप श्योर हैं कि आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। और उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन को रीडिजाइन कर लिया तो हमने उसको टेस्ट और ये जो टेस्टिंग है मेरी एप्लीकेशन की कोमल मुर्तजा ने की है। रोल नंबर उनका 50 है और वो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं और उन्होंने ये जो है वो कमेंट्स दिए थे कि ईच गेम शुड कंटेन गेम नेम ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन मैंने इस पॉइंट को जो है वो नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम गेम का नेम भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देना शुरू कर देंगे तो वो सिर्फ जगह ही कंटेन करेगा नहीं होगा। और इन्होंने कमेंट